हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं ये इंडियन ट्रेडिशनल थाली, जिसमें बॉइल्ड राइस है, खीर है, टेंडे की सब्जी है और साथ ही दम आलू है। ये पूरी थाली बनाने में मुझे 35 से 40 मिनट लगे हैं, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये थाली बना के आप लंच, डिनर कभी भी खा सकते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन है तब भी आप बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेंडे की सब्जी बनाएंगे। तो जहाँ मैंने आधा किलो टेंडे लिए थे, उसको अच्छे से छील के धो के मैंने इसे कट कर लिया था स्लाइसिस में। उसके बाद तड़के में जहाँ देखिए प्याज है जो स्लाइसिस में मैंने काट लिया, अदरक लहसुन हरी मिर्च ले लिए। तो अदरक और लहसुन हरी मिर्च जो इसको हम कूट लेंगे। अब ग्राइंड भी कर सकते हैं जैसे आपकी चॉइस हो, लेकिन ऐसे सिलबट्टे भी कूटने से ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो फ्रेंड जहाँ देखिए लहसुन में थोड़ा सा डाल देंगे, दो हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा मैंने डाला है अदरक, क्योंकि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका अपना जो फ्लेवर होता है ना वो फिर लॉस्ट हो जाता है। तो इसको मैंने कूट लिया। उसके बाद चल गई कुकर में, हमने सब्जी बनानी है तो मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। जैसे तेल गर्म होता है इसमें डाल दिया मैंने जीरा, उसके बाद प्याज डाल दिया। ये प्याज टोटल जो है 200 ग्राम है, क्योंकि सब्जी में प्याज थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं और ऐसे स्लाइसिस में मैंने कट किए। उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा जब फ्राई हो जाए, यहाँ देखिए पिंक कलर हो गया है प्याज का, उसके बाद जो हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च जो कूटी थी उसको डाल देना है आपने। और अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। और ये सब्जी जो है बहुत टेस्टी और हेल्दी है, सभी को पता है कि टेंडे जो है कोई भी ग्रीन वेजिटेबल है वो हेल्दी ही होती है। तो बस इन सारे मसाले को अच्छे से आपने फ्राई करने के बाद फिर डालने हैं अपने टमाटर। ये दो टमाटर हैं, इसको ऐसे बस रफली मैंने चॉप कर लिया था। और अब हमने इसमें ऐड करना है कुछ मसाले, जैसे हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इतने ही स्पाइसेस आपने ऐड करने हैं और ज़्यादा कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। स्पाइसेस डालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट और पकाना है, प्याज और टमाटर जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ ताकि अच्छे से मिक्सअप हो जाएँ। तो फ्रेंड तड़के में ना प्याज अलग टमाटर अलग वो देखने में ठीक नहीं लगता है। तो 5 मिनट पकाने के बाद जान दे कि तड़का बहुत अच्छे से पक गया, कलर भी बहुत अच्छा आ गया। उसके बाद आपने सारे टेंडे डाल देने हैं। तो फ्रेंड ऐसे ही कट करेंगे ना तो बहुत जल्दी पक जाते हैं। और अब तड़के के साथ इसको 4 से 5 मिनट और पकाएंगे, इससे क्या है कि फ्लेवर सारा जो तड़के में ना और टेंडे का अच्छे से आ जाता है। और फ्रेंड्स मोस्टली क्या होता है कि सबके घरों में वैसे तो यही हाल है, जब घर में टेंडे बनते हैं, लौकी बनती हैं, तो सबके मुंह भी साथ ही बन जाते हैं कि आज टिंडे खाने पड़ेंगे, आज लौकी खानी पड़ेगी, कुछ और नहीं मिला आपको बनाने के लिए। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो सब आपसे मांग मांग के खाएंगे, इतना अच्छा टेस्ट आता है। और मसाले भी बहुत हमने कम डाले हैं। तो अब मैंने इसमें डाल दिया 1 कप पानी, और पानी डालने के बाद इसको ढक्कन लगा के 4 से 5 इसकी विसल लगानी है, मीडियम फ्लेम पर रखना है इसको, और टिंडे जो है बहुत अच्छे से पक जाते हैं। जब तक टिंडे बन रहे हैं सेकंड रेसिपी शुरू करते हैं जान दम आलू की। तो जान देखिए बेबी पोटैटोस मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, जो बड़े हैं आलू उसको बीच में से आपने काट लेना है, और बाकी तो सारे छोटे छोटे ही आलू थे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक फॉक लेना है और इसको प्रिक कर देना है 2 से 3 जगह से। इससे क्या होगा कि जब हम इसको पकाएंगे फ्राई करेंगे तो इसमें मसाला बहुत अच्छे से चल जाता है और दम आलू जब बहुत जूसी बन जाते हैं। तो सारे आलू का ऐसे प्रिक कर लेना है। उसके बाद जो तड़का है वो भी मैंने रेडी कर लिया, प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च। तो जहाँ देखिए 4 से 5 विसल लगने के बाद इसको हम उतार लेते हैं और इसका प्रेशर इसी में रहने देना है और दम आलू को फ्राई करने की तैयारी करते हैं। जहाँ कढ़ाई मैंने ले लिया और इसमें डाल दिया सरसों का तेल, मैंने 1 कड़छी सरसों का तेल डालना है। तेल जब गर्म हो जाए इसमें आलू हमने सारे डाल देने हैं और साथ ही डालना है इसमें नमक, थोड़ा सा नमक डालना है, हल्दी डालनी है और साथ में देगी मिर्च डालनी है। इससे क्या है कि आलू फ्राई करने टाइम इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, जब हम सब्जी में डालेंगे तो भी इसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छे से आ जाता है। बस इसको 4 से 5 मिनट आपने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, और आलू हमारे बॉयल है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं यहाँ तड़का रेडी कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च ले लिए मैंने, 2 हरी मिर्च ली हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मिक्सी जार ले लिया है मैंने और इसमें सारे प्याज अदरक लहसुन सब कुछ एक साथ ही हमें ग्राइंड कर देने हैं। तो फ्रेंड्स कई लोग दम आलू में काजू डालते हैं, कई बादाम भी डालते हैं थोड़ा रिच फ्लेवर देने के लिए, वो टोटली आपकी चॉइस है, मैं ऐसा कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक फाइन पेस्ट हमने रेडी कर लेना है तड़के का। तो फ्रेंड्स जान देखिए पेस्ट हमारा बन गया है तड़के का, और इसको रखते हैं साइड में। और जहाँ आलू आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये भी फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है।
और साइड बाय साइड हमारी खीर भी बन रही है फ्रेंड्स। खीर की रेसिपी आपके साथ कई बार मैंने शेयर की है, अभी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खीर बनाना बहुत ही ईजी है, कोई इसमें मैंने मलाई नहीं डाली है या फिर कंडेंस मिल्क कुछ भी नहीं ऐड की है। चावल को बस आधा घंटा पानी में भिगा के उसके बाद दूध में इसे बॉईल करना है और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है, तो बहुत ही रिच फ्लेवर वाली जो खीर है वो रेडी हो जाती है। चीनी डालने के बाद थोड़ी पतली हो जाती है तो इसे 5 मिनट और पका लेना है। जहाँ आलू भी हमारे फ्राई हो गए हैं इसे एक बाउल में निकाल लेना है हमने, और जो ऑयल पीछे बचा हुआ है ना इसी में हमने तड़का लगाना है। ठीक है, ऑयल थोड़ा कम है इसमें तो ऑयल थोड़ा और ऐड कर देंगे और इसी में जो तड़का है वो लगाएंगे और इसमें जो मसाले हैं उसका भी फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, तेल जैसे ही गर्म होता है इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्चें और 2 तेज़पत्ते डाल दें। बस 1 मिनट इसे फ्राई करना, उसके बाद जो प्याज का पेस्ट हमने रेडी किया था वो डाल देंगे और तड़का जो है ना हाई फ्लेम पे आपने पकाना है। ठीक है, तड़का अच्छे से पका हुआ तो सब्जी का फ्लेवर भी फिर बहुत ही अच्छा बनता है, और मेन जो खेल है वो तड़के का ही होता है, तो तड़के को अच्छे से आपने पकाना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइसेस, 2 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर के, 1 चम्मच हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है। तो ये ध्यान रखना है कि नमक हमने आलू फ्राई करने टाइम पर डाला था, जहाँ लाइट चले गई तो लाइट आ गई अब, तो अब 1 चम्मच जीरा पाउडर का डाल के उसके साथ ही हमने थोड़ा पानी डाल दिया है ताकि जो मसाले वो जल ना जाए। तो 1 मिनट इसे पकाना है, तो जब तेल अच्छे से सेपरेट हो जाए उसके बाद डालना है इसमें टमाटो प्यूरी, जहाँ 3 टमाटर की प्यूरी मैंने बनाई थी। टमाटर अगर छोटे हैं तो 4 लेने हैं, मीडियम साइज़ के हैं तो 3 टमाटर आपने डालने हैं और प्यूरी इसमें ऐड करनी है। तो मिक्सी जार में थोड़ा पेस्ट लगा हुआ था टमाटर का, उसमें पानी डाल के वो भी मैंने ऐड कर दिया है। इसको ढक के अपने पकाना है फ्रेंड्स, क्योंकि तड़का बहुत छिटक रहा था। और जहाँ दिखाती हूँ आपको, साइड बाय साइड हमारे बॉइल्ड राइस भी बन रहे हैं। मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ ओपन पैन में राइस बनाने का, ये क्या है ना कि बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। इसका जो राइस पाउडर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, नमक वगैरह डाल के पी सकते हैं, काफ़ी हेल्दी होता है। तो जहाँ देखिए चावल हमारे बन गए, खिले खिले हमारे राइस रेडी। तो अब इसको ढक के इसको इसे रख देती हूँ साइड में, और जहाँ तड़का आपको दिखाती हूँ फ्रेंड, जहाँ देखिए ऑयल पूरा ऊपर भी फ्लोट हो रहा है, कितना प्यारा कलर आया है, और कोई हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। और जहाँ देखिए 1 चम्मच या 2 चम्मच आप इसमें डाल लें कसूरी मेथी के। ठीक है, इसको पकने देते हैं, उसके बाद जहाँ कुकर खोल के देखते हैं फ्रेंड्स, इसका प्रेशर मैंने इसी में रहने दिया था। और अगर आपने टिंडे खाने हैं सूखे, मतलब ऐसे घुले मिले से खाने हैं, तो आपकी सब्जी एकदम रेडी आप खा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े सा इसमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, तो वो मैं इसलिए इसको कुकर को फिर से गैस पे रखूँगी और 2 कप पानी डाल के इसको पकाऊँगी 5 से 6 मिनट के लिए, और थोड़ा गरम मसाला डाल के बस हमारा जो टिंडे की सब्जी वो रेडी हो जाएगी। तो जहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारा तड़का जो है अच्छे से पक चुका है और ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल सेपरेट हो गया। अब हमें जो ऑयल आलू फ्राई किए थे वो डाल देने हैं, बस इसको अच्छे से तड़के में मिक्स कर देना है और 2 मिनट पका के जितनी ग्रेवी आपको चाहिए बस उतनी ग्रेवी आपने डालना है और थोड़ा गर्म पानी ही डालना है, और उसके बाद इसको 5 से 6 मिनट ही पकाना है। ज़्यादा इसको पकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आलू जो है पहले से बॉयल थे, उसके बाद हमने फ्राई भी कर लिया तो सब्जी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस ढक के इसको पकाना है, उसके बाद जहाँ टिंडे जो हैं वो भी हमारे रेडी हो गए। मैंने लास्ट इसमें डालना है गर्म मसाला। तो जहाँ देखिए इतनी ग्रेवी आपने डाल ली है, रोटी के साथ जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं टिंडे। घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब जो प्रेफर करते हैं ग्रीन वेजिटेबल, तो उनके लिए आप रेडी कर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। कि लास्ट आपने डालें 2 चम्मच इसमें देसी घी के, इससे क्या है कि सब्जी में एक ग्रेस भी आ जाता है और खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है, टेस्ट भी बढ़िया बन जाता है। गैस का फ्लेम बंद कर देना, उसके बाद ढक देना इसको, और जब सर्व करेंगे तब इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो जहाँ आलू भी जो है हमारे बहुत अच्छे से पक रहे हैं, और जहाँ देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा कलर आया है, और थोड़ा थोड़ा ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि आलू भी फ्राई किए हैं, फिर तड़का भी लगता है। तो जहाँ आलू को आपने देख लेना है, काफ़ी सॉफ्ट हुए हैं हमारे आलू। तो फ्रेंड्स कुछ एक आलू को आपने क्या करना है, थोड़ा तो मैश कर देना और ग्रेवी में मिक्स कर देंगे, इससे क्या कि ग्रेवी आपकी और ज़्यादा ठीक हो जाएगी। और कभी भी आप सब्जी बनाते हैं ना, तो पकने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के बाद सर्व कीजिए, इससे क्या कि टेक्सचर एकदम सेट हो जाता है और ग्रेवी भी एकदम बहुत ठीक हो जाती है। तो जान देखिए थोड़ी सी आलू मैंने जो है कड़छी के साथ ऐसे मैश कर दी थी और ग्रेवी में मिक्स कर देने, ग्रेवी आपकी काफ़ी ठीक हो जाएगी। और फ्रेंड जान देखिए कितने बढ़िया हमारे
जो है दम आलू बन के रेडी हो गए हैं। लास्ट आपने डालना है इसमें गरम मसाला। आज मेरे पास धनिया, जो हरा धनिया होता वो नहीं था, नहीं तो होता तो मैं ज़रूर डालती। तो जहाँ गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया, ढक दिया इसको अच्छी तरह से, उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद अब हमने थाली रेडी करनी है। तो जहाँ देखिए ग्रेवी हमारी काफ़ी थिक हो गई, कोई हमने बादाम काजू कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। चलिए अब थाली रेडी कर लेते हैं। जहाँ एक कटोरी में डाले हैं दम आलू, दूसरी में डाले हैं खीर। खीर जहाँ देखिए हमारी कितनी थिक बनी है, कोई इसमें कंडेंस मिल्क के बिना, देखिए कितना बढ़िया बनी है खीर। उसके बाद डाले हैं एक कटोरी में हमने टिंडे। तो फ्रेंड्स रोटी परांठा भी आप बना सकते हैं, इसके साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज जो है मैंने बॉइल्ड राइस बनाई थी वही आज सर्व करने हैं। तो जहाँ देखिए हमारी थाली रेडी हो गई है और साथ में सैलेड और बॉइल्ड राइस, जहाँ देखिए पूरी परफेक्ट हमारी थाली रेडी हो गई है। मीठा भी है, नमकीन भी है, स्पाइसी भी है, तो और क्या चाहिए। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। संडे जो मतलब होता है ना कि आपका मन करता है सभी घर में तो कुछ स्पेशल ही बना लें, तो संडे को भी बना सकते हैं। घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो भी आप ये थाली रेडी कर सकते हैं, मिस दम आलू के साथ पूरी परांठा या फिर रोटी कुछ भी सर्व कर सकते हैं। टिंडे तो खैर बहुत स्वाद लगते हैं। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना फ्रेंड्स। और चलिए यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कोई रेसिपी या ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ओके, बाय बाय।